अस्पताल के बिस्तर पर कुर्सियों पर लेटे ये लोग दर्द से कराह रहे हैं। दूल्हे के चाचा भी गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में हर तरफ घायलों का इलाज जारी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी वाले दिन घर में लोगों की ऐसी हालत हो गई। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे से नफीस के बेटे की शादी थी। बारात हमीरपुर शहर के एक गेस्ट हाउस में ठहर गई थी। देर रात डीजे की धुन में बारात निकाह के लिए पटकना मुहाल स्थित एक गेस्ट हाउस जा रही थी। दूल्हे के पीछे चल रही बारात में लोग बड़ी खुशी से झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात गेस्ट हाउस से 15 मीटर पहले पहुंची, तभी कुछ लोग बारातियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए डांस करने लगे। बारातियों ने शराबी युवकों को मना किया तो युवकों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, अपने घरों में जाकर छत से पत्थर बारातियों पर बरसाना शुरू कर दिया। इसमें घर की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और बारातियों पर ईंट और पत्थर बरसाने लगी। पथराव से बचने के लिए बाराती इधर उधर भागने लगे। दूल्हा और उसके परिवार वाले भी गाड़ी से उतरकर गेस्ट हाउस में घुस गए। घटना में लहूलुहान बारातियों को आनन फानन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक घायल को हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। इस मामले में दूल्हे का चाचा इदरीश खान, पुत्र शमी मुल्ला, लच्छी समेत कई बाराती घायल हो गए। पथराव में बारात में शामिल कई महिलाएं और बच्चे भी मामूली रूप से चोटिल हुए। जैसे 10 कदम पे सैनाई गेस्ट हाउस रहा होगा तो उसके पहले ही कुछ लड़के जिनका घर वहीं पड़ता है और छोटू नाम है उस लड़के का, और वो लड़का नाचने के लिए आया और उस उल्टी सीधी तरीके से नाच रहा था और शराब ज़्यादा पिए था, उसके कारण वो वहाँ पे लड़ गया। उसको हटाया तो वो सीधे अपने घर में चढ़ गया और कुंडी लगा के अपनी बहन को और वो 3-4 लोग चढ़ के फिर वहाँ से उन्होंने गुम्मों की औरतों पे आदमियों पे 3-4 लोग घायल हैं और वैसे 3-4 लोगों के सर फटे हैं, बाकी लोग घायल हैं, बच्चे घायल हैं, उनके चोटें आई हैं और अंधाधुन गुम्मों की बारिश करी। बड़े बड़े गुम्मे अधे काम चल रहा है उनका घर पे, तो घर पे गुम्मे रखे हुए हैं, उन्होंने बेतहाशा गुम्मे चलाए, ना बच्चों को देखा ना बारात को देखा। बच्चे बिलक रहे थे, डर रहे थे, औरतें डर गई, दहशत में सब पूरी बारात बैक हो गई और सबको अस्पताल लेके ये मामला हुआ है। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि बारातियों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, जिसमें कुछ बाराती घायल हो गए। घायलों में इदरीश खान की हालत बेहद गंभीर थी, इसे कानपुर रेफर कर दिया गया। सहनाई गेस्ट हाउस हमीरपुर में तो छत पर से कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए जो है बारात के ऊपर, जिसमें 3 लोग घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय हमीरपुर की इमरजेंसी में लाए गए, जिनका यहाँ पे इलाज किया गया। उसमें 1 लोगों को सर में गंभीर चोटें हैं, उन्हें कानपुर हैलेट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। अब इस मामले की शिकायत पुलिस से तो कर दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस इस पर कब तक और क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल की खबर में इतना ही।